वेलकम बैक टू योर चैनल वन। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। दिस इज मिन्हाज बैक विद अनदर वीडियो। और आज मैं इस वीडियो में मैं आपको टीवीएस सेंटोर का जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, उसके बारे में सब एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि वो टीवीएस सेंटोर का जो ऐप है प्ले स्टोर में और ऐप स्टोर में है, शायद मुझे पता नहीं, वो जो ऐप है जो आप कनेक्ट कर सकते हैं उस कंसोल से, आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और उस ऐप में क्या सारे फीचर्स दिए गए हैं, और हाँ उसे कनेक्ट करने के बाद आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा आखिर में। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं अपनी बाइक बाहर नहीं ले जा सकता ज़्यादा, क्योंकि रोड का काम चल रहा है बाहर, और इसलिए मोटोलॉग्स अभी नहीं आ रहे हैं। मोटोलॉग्स आएंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरी पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं आप लोग, मैंने बहुत सारे मोटोलॉग्स बनाए हैं। मोटोब्लॉग्स आएंगे फ्यूचर में भी, लाइफस्टाइल ब्लॉग्स भी बहुत सारे आएंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो चलिए चलते हैं बाइक के पास अभी। तो ये रही मेरी टीवीएस एंटॉर्क। हाँ, आप लोग देख सकते हैं मैंने ऐसे ही इस पर कवर डाला है और बहुत दिनों से बाहर नहीं निकाला इसको। चलिए मैं आपको रोड दिखा देता हूँ, रोड की कंडीशन क्या हो रखी है मेरे घर के पास। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, रोड तो एकदम ख़राब हो चुका है यहाँ पर। ये लोग नया रोड डाल रहे हैं इसलिए ऐसा हो रखा है यहाँ पर। रोड अच्छा ही था फिर भी इन लोगों ने सब कुछ बिगाड़ दिया यार, और मेरा दिल नहीं करता कि मैं अपनी बाइक निकालूं बाहर। तो चलिए मैं आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिखाता हूँ उसका। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये है इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, और यहाँ पर मेरा नाम दिखा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं, और हेलमेट इंडिकेटर भी दे रहा है और स्ट्रीट मोड बोल रहा है वहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है। पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाता हूँ ये है इंजन टेम्परेचर मॉनिटर। अब अगर आप 20 किलोमीटर ऐसे चलाओगे तो यहाँ पर दो पॉइंट आ जाएंगे, वो है फ्यूल गॉज, आपका फ्यूल दिखाएगा आपकी फ्यूल टैंक में कितना फ्यूल बचा है, और ये तो ऑब्वियसली स्पीडोमीटर है जैसा कि आप देख सकते हैं। क्लॉक भी दे रखा है यहाँ पर, टाइम दिखा रहा है, एकदम करेक्ट है वो। ये रहा ओडोमीटर जो कि आपकी बाइक कितनी चली है वो दिखाएगा यहाँ पर टोटल किलोमीटर्स, और ये है ट्रिप मीटर। गाइस ट्रिप तो आप जानते ही होंगे, दो ट्रिप मीटर हैं इसमें, ए और बी, और इससे आप लोग मोड चेंज कर सकते हैं। दो मोड दिए गए हैं इस बाइक में, स्पोर्ट्स मोड और स्ट्रीट मोड। स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा सा अलग हो जाता है कंसोल, और ये जो बटन है इससे आप सेट कर सकते हैं, टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पर। और बहुत सारे इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं इसमें, इको मोड, पावर मोड और लो फ्यूल वार्निंग एक्सेट्रा। ओह, आप लोग आ गए वापस, ठीक है। तो वो था इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर गाइस जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो चलिए मैं अभी आपको ऐप दिखा देता हूँ, ऐप में क्या सारे फीचर्स दिए गए हैं और आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वगैरह। तो चलिए अभी ऐप को ओपन करते हैं। ये रहा टीवीएस एंटॉर्क और ये है वो ऐप। कनेक्शन अटेम्प्ट हो रहा है यहाँ पर और कनेक्ट हो जाना चाहिए। हाँ, हो गया। जैसा कि आपने देखा ग्रीन कलर का आइकन आया वहाँ पर, और एक और इंडिकेटर भी दिखा रहा है कि बाइक से कनेक्टेड है ये बेसिकली ब्लूटूथ कनेक्शन है यहाँ पर। और ये आपको जैसा दिखता है, मेरी प्रोफाइल फ़ोटो वहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन इसमें कुछ बग है गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल उल्टी दिखा रहा है यहाँ पर। राइडर्स प्रोफाइल में जाएंगे तो राइडर का नाम और लोकेशन दिखा देगा, मेरा नाम और लोकेशन। यहाँ से आप प्रोफाइल फ़ोटो चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो इसके नीचे एक और बटन दिया गया है GPS का, और अगर आप GPS इनेबल कर दोगे तो आपकी लास्ट पार्क लोकेशन दिखा देगा ये, आपकी गाड़ी कहाँ पार्क थी, लास्ट लोकेशन कहाँ पर पार्क की थी आपने, वो लोकेशन यहाँ पर दिखा देगा। लेकिन ये मैप लोड होने थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पर, लेकिन ये लोकेशन ठीक से दिखाता है, कोई भी इश्यूज नहीं है इसमें। मैंने टेस्ट किया है, लास्ट पैक लोकेशन जो भी थी जब भी आपने कनेक्ट किया था ऐप को बाइक से तो वो लोकेशन दिखा देगा ठीक से। तो वो था GPS फाइंडर। और उसके नीचे एक और बटन दिया गया है, वो है ट्रिप मीटर। ट्रिप दिखा देगा आपकी यहाँ पर टॉप स्पीड कितनी थी, लास्ट 5 किलोमीटर पर हाथ दिखा रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैं व्हीकल ऐसे ही स्टार्ट किया था इसलिए ये स्पीड दिखा रहा है। और ओडोमीटर की रीडिंग भी दिखा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं बाइक पर, और इस पर ओडोमीटर की रीडिंग एकदम करेक्ट है। यहाँ से आप लोग GPS असिस्ट इनेबल कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोकेशन डाल सकते हैं जहाँ भी आपको जाना है, और फिर स्टार्ट कर देंगे तो आपको फ़ोन देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो मीटर पर ही दिखा देगा टेक राइट टेक लेफ्ट गो स्ट्रेट ऐसा कुछ दिखा देगा वो। और फिर आप लोग थ्री डॉट मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स दी गई है, जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब वाइल इनकमिंग कॉल्स। अगर आप लोग इसको इनेबल कर दोगे डू नॉट डिस्टर्ब को, तो अगर आपको कोई इनकमिंग कॉल आ रहा है जब भी आप कनेक्टेड हैं बाइक से और चला रहे हैं तो इनकमिंग कॉल आएगा नहीं, आपको ये ऑटोमेटिकली बोल देगा जिसका भी इनकमिंग कॉल आ रहा है कि ये बाइक चला रहा है वगैरह। ऑटो रिप्लाई SMS दिया गया है यहाँ, तो ये मैसेज मैंने रखा है यहाँ पर, आई एम राइडिंग आई विल गेट बैक टू यू इन अ व्हाइल।
और अगर आप कॉल आंसर नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली उसको मैसेज चलाया जाएगा जिसने भी आपको कॉल किया कि ये गाड़ी चला रहा है वगैरह। हाई स्पीड लिमिट मैंने 55 पर सेट की है, आप लोग चाहे तो ऑल द वे 120 तक जा सकते हैं, ये बाइक 120 तक तो नहीं जाएगी, आप लोग सेट कर सकते हैं 60 या 65, मैंने 55 पर रखा है। जैसा ही बाइक 55 क्रॉस करेगी तो वहाँ पर एक अलर्ट आ जाएगा हाई स्पीड अलर्ट करके मीटर पर, और फिर आप लोग रूट भी सेव कर सकते हैं पिछला। तो ये है टीवीएस एंटॉर्क का ऐप गाइस, जो कि मैंने आपको दिखाया अभी यहाँ पर। तो मैं आपको अभी मेरा एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि इस ऐप से मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और ये कुछ यूज़फुल है भी या नहीं। गाइस सीरियसली स्पीकिंग ये ऐप बहुत ही यूज़फुल है, और मैं तो ऑलमोस्ट जब भी लॉन्ग राइड जाता हूँ ऑलमोस्ट लाइक 15 किलोमीटर्स या 10 किलोमीटर्स मैं कनेक्टेड ही होता हूँ हर समय। आप जब भी कनेक्टेड होते हो इस ऐप से तो ये सब कुछ बाइक पर ही दिखा देगा, आप लोगों को बार बार फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं है अपने पॉकेट से। अगर किसी का कॉल आ रहा है तो वो भी दिखा देगा वहाँ पर, ये बंदा आपको कॉल कर रहा है या ये व्यक्ति आपको कॉल कर रहा है। यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा उसका नाम बाइक पर ही, अगर आप चला रहे हैं तभी भी आ जाएगा वहाँ पर, और एक लाइट भी ब्लिंक होगी। अगर आप चाहे अगर इंपॉर्टेंट कॉल है तो आप साइड में खड़ा करके बात कर सकते हैं, या ब्लूटूथ आपने कनेक्ट किया है तो आप बात कर सकते हैं, वो बहुत ही हैंडी फीचर है। नेविगेशन असिस्ट तो बहुत ही यूजफुल है गाइस, आप लोगों को फ़ोन माउंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी वहाँ पर, फ़ोन लगा के गाड़ी चलाना वो सब कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। वैसे ही आपको ये दिखा देगा, अगर आप ऐप में ही डाल के स्टार्ट करके फ़ोन पॉकेट में रख दोगे तो वहाँ पर ही दिखा देगा ये, टेक अ राइट टेक लेफ्ट गो स्ट्रेट विद इन 150 मीटर्स टेक राइट लेफ्ट, जैसे आपको जीपीएस दिखाता है वैसे ही दिखा देगा ये भी। और फिर जैसे कि वो सब फीचर्स ऑटो रिप्लाई एसएमएस डू नॉट डिस्टर्ब वाइल राइडिंग वगैरह वगैरह बहुत ही यूज़फुल है। इंडिया में किसी भी मोपेड में ऐसे फीचर्स नहीं हैं, ये मैं 100% श्योर बोल सकता हूँ, किसी भी मोपेड में ऐसे फीचर्स अभी तक कोई भी लॉन्च नहीं हुआ है। 2019 में हो सकता है मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक तो टीवीएस रॉक्स यस। और हाँ गाइस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट सर्विस के पहले जब मैं इस बाइक को कनेक्ट करके यूज़ कर रहा था ऐप से तो लोकेशन में कुछ गड़बड़ी हो रखी थी वहाँ पर, क्योंकि लोकेशन ठीक से नहीं दिखा रहा था, मुझे पता नहीं क्यों लेकिन लोकेशन ठीक से नहीं दिखा रहा था। एक जगह मैं अटक गया था वहाँ पर, जीपीएस लॉस्ट करके तो नहीं आ रहा था कुछ भी, फिर भी लोकेशन में कुछ गड़बड़ी थी, नेविगेशन असिस्ट कुछ गड़बड़ हो रखी थी उसमें। लेकिन वो सिर्फ एक ही बार हुआ वैसा, फिर जब मैं इसको अभी रेगुलरली जब यूज़ करता हूँ तो कोई भी इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो टीवीएस एंड टॉक के इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पर गाइस, सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं एम करता हूँ एटलीस्ट 15 लाइक्स ऑन दिस वीडियो, सो गो हिट द लाइक बटन एंड हेल्प मी अचीव द एम। दिस इज मिन्हाज साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, आई होप टू सी माई नेक्स्ट व्लॉग, गुड बाय।